राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी। सुरक्षा में चूक को लेकर राष्ट्रपति से जताई चिंता। कल पंजाब के फिरोजपुर में हुई थी पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बेंच के सामने कल होगी सुनवाई। मामले में जांच के लिए पंजाब सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, अभी लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में आज 14,000 से ज्यादा मामले आने की संभावना। गुजरात के सूरत में गैस लीक होने से 6 लोगों की हुई मौत, 25 से ज्यादा अब भी बीमार। केमिकल टैंकर से लीक हुई जहरीली गैस, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय पेट सफा। पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यानी पांच का पंच में। आज पांच का पंच में हम जिन पांच बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने जा रही हैं, उनमें से सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक की, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से खास मुलाकात भी की। सुरक्षा में चूक का विवाद बढ़ चुका है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज इस मामले में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। इसके बाद बात होगी गुजरात के सूरत में हुई गैस लीक की। यहां जहरीली गैस लीक हो जाने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस गैस लीक ने एक बार फिर से कुछ समय पहले के लिए वहां के लोगों को भोपाल गैस त्रासदी की याद दिला दी थी। ये गैस आखिरकार लीक कैसे हुई आगे आपको विस्तार से बताएंगे। और बात करेंगे कोरोना की भी, जो कि अब फिर से बेकाबू होता नजर आ रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना के मामले अब 90,000 के पार हो गए हैं। ओमिक्रॉन की संख्या भी बढ़कर 2600 से ज्यादा हो गई है। देश के 5 राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, केरल और कर्नाटक ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है तो वहीं अच्छी खबर यह भी है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी अब थमी नहीं है। देश जल्द ही 150 करोड़ वैक्सीनेशन तक पहुंचने वाला है। इसके बाद कार्यक्रम के अंत में हम आपको ये दिखाएंगे कि पहाड़ों की वो खूबसूरत तस्वीरें जो पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही हैं। बात होगी सफेद स्वर्ग बनी पहाड़ियों की। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब पंजाब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल पीएम मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से खास मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुई घटना की पूरी जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी। और सिर्फ यही नहीं, सुरक्षा में भारी चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कल इस पूरे मामले में सुनवाई भी हो सकती है। और लेकिन खबर यह भी है कि आने वाले कुछ दिनों में पंजाब के बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सियासत तो हो ही रही है, इसके साथ ही बड़े स्तर पर मुलाकातों का दौर भी जारी है। दरअसल पीएम मोदी ने आज सुरक्षा चूक को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने पीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। दोनों के बीच मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई ये तो साफ नहीं है, लेकिन खबर है कि पीएम ने कल हुई घटना को लेकर सारी जानकारी राष्ट्रपति को दी। इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर एक पीआईएल डाली गई है जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर क्या कुछ अरेंजमेंट थे, पुलिस ने कितना सहयोग किया कितना नहीं किया, किसकी किस स्तर पर लापरवाही हुई, ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में अब सुना जाएगा। खबर है कि सीजीआई की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मेहताब सिंह गिल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग अनुराग अग्रवाल को इस मामले की जाँच करने को कह दिया है। कमेटी को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है ताकि जिसकी वजह से लापरवाही हुई उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी। और दूसरा एक बात समझिए, हंसी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा कि कल पत्रकार मित्रों ने उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं किया। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट दे संपर्क च आया सी,
इस करके मैं अपना पीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी, क्वारंटाइन होया होया सी, फिर पीसी किदां बुला ली, क्या तुहाडी सेहत दा इन्हां नूं ध्यान नहीं है, और अज रैली करन जा रहा। उधर पंजाब बीजेपी इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग करने के आरोप में राज्य के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को बर्खास्त करने की मांग की गई है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात में दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है। ये षड्यंत्र है, ये इसकी इंक्वायरी हाई लेवल पे होगी, होम डिपार्टमेंट में भी होगी। हम जाके उनसे भी निवेदन करेंगे कि इनकी इंक्वायरी करें। राज्यपाल जी को हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया है और उन्होंने हमें तसल्ली दिलाई कि वो इस चीज की हमने मांग रखी है कि ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और इसमें बहुत बड़ा एक चूक हुआ है जो सिक्योरिटी का, उस पे वो घोक करे। दरअसल पीएम मोदी के साथ पंजाब में जो हुआ वो शायद आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। सड़क पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोक कर रखा, जिसके बाद पीएम को फिरोजपुर का अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और वहां से पीएम वापस लौट गए। गृह मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा के प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। कल क्या क्या हुआ उसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटिंडा में लैंड किया। पीएम को हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक जाना था। मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक इंतजार किया। खराब मौसम को देखते हुए सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाने पर विचार हुआ। डीजीपी पंजाब के आश्वासन के बाद प्रधानमंत्री का काफिला सड़क से निकला। राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर दिया। चूक को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी को वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा। पीएम की सुरक्षा में चूक एक बड़ा मामला है, यही कारण है कि केंद्र इस मुद्दे पर कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सुरक्षा में चूक को लेकर आने वाले दिनों में किस पर गाज गिरती है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। पांच का पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। गैरसैंण राजधानी उत्तराखंड वासियों के लिए एक भावुक मुद्दा रहा है। राज्य आंदोलनकारी भी कहते रहे हैं कि राज्य बनने पर गैरसैंण राज्य की राजधानी बननी चाहिए। गैरसैंण केवल भावुक मुद्दा ही नहीं, बल्कि माना गया कि गैरसैंण को राजधानी बनाने से उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का भी तेजी से विकास होगा। विकास का रथ गाँव से शहरों की ओर चलेगा। राज्य बनने के बाद परिस्थितियों वश देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार ने बाद में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। यहां राजधानी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए अब धामी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि जब कभी गैरसैंण पूर्ण राजधानी का रूप पाएगी तो वो देश की सबसे सुंदर आकर्षक राजधानियों में होगी। इसके लिए यहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। गैरसैंण क्षेत्र का तेजी से विकास योजना को अमल में लाया जा रहा है। राज्य सरकार यहां स्थायी विकास योजनाओं को अमल में ला रही है। उत्तराखंड के गैरसैंण में ई विधानसभा की कल्पना की गई। गैरसैंण उत्तराखंड में चमोली जिले का एक पहाड़ी शहर है। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने इस क्षेत्र के बारे में कहा था कि कभी पहाड़ी प्रदेश की कल्पना साकार हो तो राजधानी के लिए ये उपयुक्त क्षेत्र है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के एक साल पूरा होने पर यहां 1000 दीप जलाए गए। धामी सरकार गैरसैंण क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील है। यहां तेजी से काम हो रहा है, साथ ही इस क्षेत्र में पानी,
बिजली, सड़क, सब बुनियादी सुविधाओं पर काम हो रहा है। गैरसैंण के आसपास के इलाकों में भी पर्यटन, कृषि, बागवानी, तीर्थाटन आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि गैरसैंण हमारी भावनाओं और संभावनाओं का केंद्र है। इसके विकास के लिए पूरा रोड मैप तैयार है और उसके अनुरूप ही काम किया जा रहा है। देश दुनिया का हर स्वागत है ब्रेक के बाद। अब अगली खबर गुजरात के सूरत से, जहां एक जहरीली गैस के लीक हो जाने से 6 लोगों की मौत की खबर है। दरअसल ये दुर्घटना गुजरात के सूरत में हुई, जहां एक केमिकल टैंकर के अंदर से गैस लीक हुई, जिसके कारण बगल की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बीमार हो गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या फिर किसी के समझ में कुछ आ पाता, इससे पहले ही 6 मजदूरों की मौत हो चुकी थी। ये पूरा हादसा आखिरकार कैसे हुआ, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। जहरीली गैस ने ली 6 लोगों की जान। टैंकर से ली गैस ने दर्जनों को किया बीमार। लापरवाही या फिर है साजिश। गुजरात के सूरत में अस्पताल के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक कई मरीज सांस में तकलीफ की शिकायत लेकर पहुंचने लगे। आंखों में जलन और सांस में तकलीफ सभी की शिकायत थी। सभी का खांसते खांसते बुरा हाल था और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अस्पताल में देखते ही देखते 6 मरीजों की मौत हो गई, जबकि कई की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर अनजान थे कि आखिर मरीजों को हुआ क्या। इतने में खबर सामने आई कि एक केमिकल टैंकर से गैस लीक होने के कारण ये सभी लोग बीमार हुए हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे और आखिर किस टैंकर से गैस का रिसाव हुआ। दरअसल ये मामला सूरत जिले के सचिन इलाके में GIDC का है। इस इलाके में कई केमिकल फैक्ट्रियां हैं। यहीं एक केमिकल टैंकर में लीक हो गया, जिसके बाद वहां काम करने वाले मजदूरों का जहरीली गैस से दम घुटने लगा। गैस इतनी जहरीली थी कि 6 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही कई मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सर ये तो बहुत वो है, आज छोटी यहाँ हुई है, कहीं भी हो सकती है और बहुत बड़ी घटना है, छोटी नहीं है। केमिकल के अभी तक स्मेल आ रहा है, आप देखेंगे उसमें, तो सोचिए कि आप कितनी बड़ी वो होगी उसमें। इसके ऊपर एक्शन होने चाहिए कि आगे और नहीं हो सर, अब जो हुआ अब आगे और मेजर एक्शन नहीं होने चाहिए, एक्शन यही होने चाहिए और मेजर प्रॉब्लम और नहीं हो, और क्या सोल्यूशन है। बाकी अब भी लगे हैं, हम भी कर रहे हैं उसको, और जो भी बेस्ट होगा वो हमारे तरफ से बेस्ट पॉसिबल में। जानकारी के मुताबिक एक प्रिंटिंग मिल के पास एक टैंकर चालक जहरीला केमिकल नाले में डाल रहा था, इस दौरान उसमें से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। गैस हवा के संपर्क में आ गई। इस जहरीली गैस ने प्रिंटिंग मिल में काम कर रहे वर्कर्स को अपनी चपेट में ले लिया। जहरीली गैस के कारण मजदूरों का हाल बेहाल होने लगा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग को सुबह करीब 4:25 पर घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बचाव अभियान चलाया और टैंकर से लीक हो रही गैस को बंद किया। तो अभी तक प्राथमिक रूप से यही कहा जा सकता है कि इस टैंकर से जो केमिकल डिस्चार्ज किया जा रहा था उस नाले में, वहाँ से कोई गैस निकली है और उस गैस के कारण विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा के अनुसार इस फैक्ट्री के जिस एरिया में ये हवा अंदर जाने का रास्ता था, उसके पास मजदूरों को इसने प्रभावित किया। बहुत गंभीर घटना है। लगभग 6 मजदूर अभी तक एक्सपायर हो गए हैं। कुछ एक और लोग अभी वेंटिलेटर पे हैं, ऑक्सीजन पे हैं। कुछ एक अफेक्टेड लोगों की तबीयत अभी ठीक है, जिनका स्टेटमेंट लेके पुलिस पूरी घटना को समझने का प्रयास कर रही है। इस हादसे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन था जो नाले के अंदर केमिकल को डाल रहा था। अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि टैंकर का जो ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है या फिर वो फरार है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से देश में देखने को मिल रही है। देश में कोरोना के मामले अब एक बार फिर से 1,00,000 के करीब पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। आंकड़ों की रफ्तार को देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। देश में कोरोना का नया वायरस ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में पहुंच चुका है। आंकड़े बताते हैं कि यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि अगले कुछ दिनों में यह मामले 1,00,000 से 2,00,000 को भी पार कर जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 325 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 90,941 नए मामले सामने आ चुके हैं। इससे एक्टिव केस में 71,453 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नए केस का आंकड़ा पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 10 जून को 91,849 नए मामले आए थे। बता दें कि देश में कोरोना से 4,82,000 लोग जान गंवा चुके हैं। इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर अब डराने लगा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने बताया कि आज 14,000 से ज्यादा कोरोना के केस आने की आशंका है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 14% तक पहुंच गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस वक्त ऐसे हालात नहीं हैं कि लॉकडाउन लगाए जाएं। आज जो अभी डाटा गैदर किया जा रहा है उसके अंदर 14,000 से कुछ ज्यादा केसेस आने की उम्मीद है। कल 12% के आसपास थी, आज 14-15 के आसपास हो गई। इस वेव में और इस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6,000-7,000-8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज वेरी लेस, सीवियरिटी इज वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। सारे बैंकेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी अभी बहुत ही कंफर्टेबल है, तो अभी लगता नहीं कि लॉकडाउन की जरूरत है। कोरोना वायरस की तेज रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि इस महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले 2600 के पार हो गए हैं और इससे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, केरल और कर्नाटक प्रभावित हैं। इन राज्यों में आज सुबह तक के ओमिक्रॉन के आंकड़ों पर नजर डाले तो महाराष्ट्र में 797 मामले हो चुके हैं, दिल्ली में 464, राजस्थान में 236, केरल में 234 और कर्नाटक में 225 ओमिक्रॉन के मामले हैं। उधर राजस्थान के उदयपुर जिले में ओमिक्रॉन संक्रमित 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत माना है। ये देश में ओमिक्रॉन की पहली मौत है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग डायबिटीज का पेशेंट था और उसे दूसरी बीमारियां भी थी। हालांकि इस मौत के सामने आने के बाद भी स्वास्थ्य सेक्रेटरी का कहना है कि ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट से खतरनाक नहीं है। देश में कोरोना वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। विशेषज्ञों के मुताबिक तीसरी लहर में मामले एक दिन में 10,00,000 से भी ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि एहतियात बरते जाएं और कोविड नियमों का पालन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। पांच का पंच में रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना, वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। आपके दो हाथ जादूगर नहीं है फिर भी जादू दिखा सकते हैं। कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे? देखिए, दो हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं। नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं, खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नाप कर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा, दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। देश दुनिया का हर नगर महानगर स्वागत है ब्रेक के बाद। और वही भारत ने साल 2021 में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा छुआ था, जिसके बाद भारत ने पूरे विश्व भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। हालांकि अब जल्द ही भारत एक और नया कीर्तिमान अपने नाम करने जा रहा है। दरअसल बहुत ही जल्द भारत में 150 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब बच्चों का वैक्सीनेशन भी बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2021 ये वही दिन है जब भारत ने दुनिया भर में अपनी एकता की ताकत को दिखाते हुए देश में चल रहे महावैक्सीनेशन अभियान में नया मान स्थापित किया था। ये वही दिन है जब भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज लगने का आंकड़ा पूरा हुआ था। इसी दिन पूरे देश ने मिलकर ये साबित कर दिखाया था कि अगर हम ठान ले तो वो हर चीज हासिल कर लेते हैं जो हमें चाहिए। भारत की इसी सामूहिक जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है,
ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और अब जल्द ही कोरोना से इस जंग में हमारी एकता की ताकत एक बार फिर से दुनिया के सामने आने वाली है, क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा 2021 में 100 करोड़ के पार था, अब वो आंकड़ा साल 2022 की शुरुआत में ही 150 करोड़ पर पहुंचने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दरअसल भारत में जल्द ही 150 करोड़ टीके लग जाएंगे। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, अगर आप कोविन पोर्टल चेक करेंगे तो लगातार बढ़ते वैक्सीनेशन के इन आंकड़ों को बढ़ता देख खुद भी हैरान रह जाएंगे। आइए अब एक नजर जरा आंकड़ों पर डाल लेते हैं, जिससे आपको ये साफ तौर पर अंदाजा लग जाएगा कि देश में आखिरकार वैक्सीनेशन की रफ्तार कितनी तेज हुई है। वैक्सीनेशन महाभियान, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिली आपात मंजूरी, 19 फरवरी को 1 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचा देश, 10 अप्रैल को 10 करोड़ टीके का आंकड़ा हुआ पार, 7 अगस्त को टीकाकरण 50 करोड़ के पार, 13 सितंबर को 75 करोड़ का आंकड़ा पार, 17 सितंबर को नया रिकॉर्ड बना, एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाए गए, 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा। वो कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और भारत ने भी इसी सीढ़ी को चढ़ा है, जिसे वैक्सीनेशन के लिए सरकार के तरफ से बनाए गए लेवल्स कहा गया है। इन लेवल्स के तहत ही सरकार ने वैक्सीनेशन का ये महाअभियान शुरू किया, और आज भारत में 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी टीका लग रहा है। आइए आपको वैक्सीनेशन के उस दौर में लिए चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। पहला चरण, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य सुधीर भंडारी को लगा पहला टीका, मध्य प्रदेश में एक अस्पताल के सुरक्षा गार्ड को लगा पहला टीका, दिल्ली के एम्स में सबसे पहले एक सैनिटाइजेशन वर्कर को लगा टीका। दूसरा चरण, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री ने लगवाया टीका, नेपाल के सेना अध्यक्ष पूर्ण चंद्र थापा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लगवाया टीका, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रभुराम चौधरी और एनसीपी चीफ शरद पवार ने लगवाई वैक्सीन। तीसरा चरण, 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण, शुरुआती दौर में राजस्थान के 11 जिलों में लगा टीका, गुजरात के 10 जिलों में टीकाकरण। साल 2022 की शुरुआत भारत के लिए कोरोना से इस जंग में काफी अच्छी रही है। 3 जनवरी 2022 से जहां 15 से 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है, तो वहीं अब 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी लगनी अब शुरू होने वाली है। बात अगर बच्चों के वैक्सीनेशन की जाए तो इस क्षेत्र में भारत ने अच्छा रिस्पांस किया है। सिर्फ कुछ ही दिनों में भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज बच्चों को लगाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए फिलहाल इसी के साथ पांच का पंच कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान, फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी, फर्क साफ है।
2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत, फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में, फर्क साफ है। अरे भैया तुम्हें कब से क्या, लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास